हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी भरवा करेले की रेसिपी। ये मैंने हाफ के जी करेले लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और मैं अभी इनका ये जो पीछे का हिस्सा है उसको मैं कट कर लूँगी और आगे के हिस्से को भी कट कर लूँगी, और इस तरह मैं इसकी स्किन को रिमूव कर दूँगी। और इसी स्किन का हम इसको भरने के अंदर इस्तेमाल में करेंगे, क्योंकि क्या होता है करेले वैसे तो किसी को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन बच्चों को खास तौर पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। मैं इस तरह से ये भर के करेले बनाऊंगी कि मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से खाएंगे और आपके बच्चे भी खाएंगे। तो आप भी इस तरह से ही करेले बनाना, और मैं आपको इजी और सिंपल तरीका ही बताऊंगी ये भर के करेले बनाने का। अभी मैंने कुछ की स्किन रिमूव कर ली है और कुछ की बाकी है, अभी मैं आपको बताती हूँ ये कैसे करना है। अभी आप देख सकते हो मैंने सारी करेलों को अच्छे से छील लिया है और इसको भी मैंने अलग रख दिया है, और अभी मैं इसको थोड़ा सा और वॉश करके थोड़ा सा इसके बीच में एक कट लगा लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ऑयल डालूँगी, हमें कुछ मसालों को फ्राई करना है। मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल लिया है। मैंने सारे करेलों में ऐसा कट लगा लिया है, देख सकते हैं आप, ऐसे सभी को अपने कट लगाया। मैंने बीज इसमें से जो पके हुए पीस थे वो निकाले, बाकी कुछ नहीं निकाला है। और ये मैंने जो क्रश किया था इसमें मैंने अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट मतलब क्रश किया है दोनों को अच्छे से। और ये मैंने प्याज लिया है, और ये मेरी काली मिर्ची है। अभी तेल गरम हो जाएगा, मैं इसमें जीरा डालूँगी। मेरा तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, और ये कुछ मैंने काली मिर्ची ली है, 10-15 होगी, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। उसको डालने के बाद मैं ये पेस्ट डाल दूँगी इसमें, मतलब पेस्ट भी नहीं है, क्रश किया है मैंने इसको अच्छे से। और अब इसमें मैं ये प्याज भी डाल दूँगी, इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी। प्याज हमारी जब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, अब मैं इसमें ये जो हमने उसकी स्किन को निकाला था करेले की, उसी को भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे इसमें, जो क्या होगा इसका ये जो कड़वापन है ना वो इसका निकल जाएगा इससे। अभी आप देख सकते हो ये अच्छे से भून रहा है इसमें। अभी हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, अब हम गैस को बंद कर दूँगी मैं, और इसको ठंडा होने दूंगी। अभी मेरा मसाला ठंडा हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये मसाला मैंने फ्राई किया था जो। अभी मैं इस मसाले को इसमें ऊपर के जो पीसे हुए मसाले वो मिलाऊंगी। अगर आपको इस मसाले में अगर पीस के डालना है तो आप पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको पीसूंगी नहीं क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे इसको। अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या ऐड करना है हमको। ये मैंने नमक लिया है जो स्वाद अनुसार इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 स्पून के बराबर, और ये मैंने लाल मिर्ची ली है रेड चिल्ली पाउडर, ये 1/2 स्पून है, और ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ये भी 1/2 स्पून से भी कम है, ये 1/4 कप है। ये मैंने 1 चम्मच लिया है, 1 स्पून लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर, ये मैंने 1/2 स्पून लिया है मैंने ये जीरा पाउडर, ये मैंने लिया है अमचूर पाउडर। इससे क्या होता है हम 3-4 दिन के लिए भी खा सकते हैं इन करेलों को, ख़राब नहीं होते हैं ये। इस सफ़र में जाएँ अपन तो भी ये चीज़ ले जा सकते हैं भरवा करेले बना के, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते हैं। अभी मैं इन मसालों को अच्छे से मिला लूँगी। फ्रेंड्स, मैं सारा मसाला रेडी हो चुका है, अभी मैं इसमें ये भरूँगी इस मसाले को करेले में। आप देख सकते हो मैं ऐसे भर रही हूँ उनको अच्छे से, मैं अपने हाथ से ही इनको अच्छे से भर लूँ इस मसाले को। आपको इसी तरह सारे करेलों को भरना है, देख सकते हैं ऐसे ऐसे ही आपको सारा भर के रखना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने सारे करेले भर के रेडी कर चुकी हूँ, अब मैं इनको तेल में फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है 1-2-3 स्पून के हिसाब से, और मैं अब इसको इसमें डाल रही हूँ। आपको सबको इसमें एक साथ डाल देना है, और थोड़ा धीमी आंच पे आपको इसको पकाना है। अभी मैंने सभी इसमें डाल दिए हैं,
और इनको हमें हल्के हाथ से इनको हिलाना है, नहीं तो हमारा मसाला बाहर निकल जाएगा। बस इनको हल्के हाथ से घुमा घुमा के पकाना है अच्छे से। अभी मैं इस पर ढक्कन लगा दूँगी। अभी मैंने इसको प्लेट से कवर कर दिया है। अभी आप इनको देख सकते हो, सारे करेले हमारे रेडी हो चुके हैं, पक चुके हैं अच्छे से। तो इस तरह फ्रेंड आप भी बना के खाइए भरवा करेले, और अपने बच्चों के लिए भी बनाइए इस तरह, वो भी खाएंगे।